स्वास्थ्य उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत द्वारा 4,40,71,000 की लागत से बने नवनिर्मित मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय पौड़ी के प्रशासनिक भवन का लोकार्पण किया गया। उन्होंने कहा कि सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर कार्य कर रही है, जिसका लाभ सीधे जनता को पहुंच रहा है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि राज्य गठन के समय उत्तराखंड में एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं था। श्रीनगर मेडिकल कॉलेज के बाद इस साल हरिद्वार और ग्राफिक एरा मेडिकल कॉलेज मिल गया है। अब अगले साल से उधम सिंह नगर और पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज में MBBS की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। मंत्री ने कहा कि अब तक राज्य में 60 लाख लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। जिनके कार्ड नहीं बने हैं, वे अपने नज़दीकी CSC सेंटर में जाकर अपना आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से 272 जाँचें निःशुल्क की जा रही हैं। पौड़ी से मुकेश बछेती की रिपोर्ट। देखिए, लगभग 4.5 करोड़ की लागत से आज जो हमारा CMO का कार्यालय है, उसका आज यहाँ पे विधिवत लोकार्पण किया गया है। और पौड़ी के लिए एक बहुत खुशखबरी की बात है कि कई सालों से काम लटका था, जब से हमारी सरकार है, मैं मंत्री बना, तो हमने इसको पूरा पैसा दे के अब इसका विधिवत लोकार्पण हो गया है। और मैं कह सकता हूँ कि पौड़ी जिले में और पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं पर हमारी सरकार बहुत काम कर रही है। और अब हमको 7वां मेडिकल कॉलेज हरिद्वार भी इस बार मिल चुका है, और इस साल से वहाँ MBBS की क्लासें भी शुरू हो जाएंगी। मैं प्रधानमंत्री जी का भी, देश के स्वास्थ्य मंत्री और अपने मुख्यमंत्री जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ कि मेडिकल शिक्षा में और स्वास्थ्य विभाग में हमारे प्रदेश में काफ़ी काम चल रहा है।